आईपीएल 2024 के आगाज से ठीक पहले एमएस धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ने का फैसला लिया। माही ने अपनी जगह सीएसके की कमान ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों में सौंप दी है। वहीं मुंबई इंडियंस इस बार हार्दिक पांड्या की कप्तानी में खेलते हुए नजर आएगी। रोहित शर्मा 10 साल बाद बतौर खिलाड़ी टूर्नामेंट में खेलते दिखाई देंगे। आईपीएल 2024 के महासंग्राम की शुरुआत से पहले ही फैंस को मायूस कर देने वाली खबर सामने आई। तमाम क्रिकेट प्रेमियों के चहेते कप्तान एमएस धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कैप्टनसी छोड़ने का ऐलान कर दिया। माही ने इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें सीजन के लिए सीएसके की बागडोर ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों में सौंप दी है। धोनी के फैसले के बाद आईपीएल 2024 में पहली बार कुछ ऐसा होगा जो इस लीग के 16 साल में कभी नहीं हो सका है। जी हाँ, आईपीएल 2024 की शुरुआत से पहले ही एमएस धोनी ने फैंस का दिल तोड़ दिया है। माही की चतुर कप्तानी इस सीजन देखने को नहीं मिलेगी। 16 साल के इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब ना तो धोनी, ना तो रोहित और ना ही विराट कोहली कप्तानी करते नजर आएंगे। आईपीएल में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है जब यह तीनों दिग्गज महज खिलाड़ी के तौर पर टूर्नामेंट खेल रहे हो। एमएस धोनी ने ऋतुराज गायकवाड़ आईपीएल 2024 की शुरुआत से ठीक पहले एक दिन पहले चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तान सौंप दी। माही ने अपनी कप्तानी में सीएसके को 5 बार चैंपियन बनाया है। पिछले सीजन गुजरात टाइटंस को फाइनल मुकाबले में पटखनी देते हुए धोनी ने चेन्नई को 5वीं बार चैंपियन बनाया था। रोहित शर्मा आईपीएल 2024 में धोनी की तरह बतौर खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे। मिनी ऑक्शन से ठीक पहले मुंबई की इंडियंस ने रोहित की जगह हार्दिक पांड्या को अपना नया कप्तान नियुक्त किया था। 10 साल बाद हिटमैन आईपीएल में खिलाड़ी के तौर पर खेलते हुए दिखाई देंगे। विराट कोहली ने साल 2021 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तानी छोड़ी थी। 2021 के बाद आरसीबी की कमान फाफ डुप्लेसी संभाल रहे हैं।